Uh, dear friends, again welcome to video lecture series on surveying and geomatics. Uh, today we will go for lesson number three, uh, that is stages of remote sensing. In the previous two we have seen what is remote sensing and how that uh, remote sensing is done. So, in this respect, uh, in previous uh, lecture number two, already we have seen that uh, what are the different advantages of uh, remote sensing, and with this. Uh, how we can use the different types of sensors for collecting the data. Now, to understand all these things in detail, uh, now in forthcoming lectures, we will talk about more about uh, the remote sensing. So, first of all, we will try to understand uh, why this remote sensing is actually again required and then what are the different stages. Once we understood the stages, <coughs> then we again go into the deeper to understand. हाउ दिस सेंसिंग एक्चुअली इज डन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी सो हियर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमोट सेंसिंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो हमें पता है कि हमें रिमोट सेंसिंग क्यों करना है सो ऑलरेडी वी हेव सीन दैट टू डिटेक्ट मेजर रिकॉर्ड एंड एनालाइज द एनर्जी रेडिएटेड इन द सिलेक्टेड वेलिंग ऑफ द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग वी हैव अंडरस्टूड दैट कि हम लोग एक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो गिरती है उसको वापस आने के बाद में या वहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद में उसको हम लोग सेंसर के द्वारा भाप सकते हैं या उसको गिन सकते हैं या उसको सेंस कर सकते एंड फ्रॉम दैट व्हाट एवर दैट Reflected electromagnetic energy or solar radiation uh, is sensed by the sensor. There are different types of sensors. We have seen that uh, they can create the image or they can uh, quantify the what any particular parameter exists. So, So, therefore, here <coughs> the our purpose of uh, remote sensing here for collection of the data is to detect. सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो ऑब्जेक्ट से आ रहा है उसको डिटेक्ट करना डिटेक्ट करने के बाद में उसको क्वांटिफिकेशन करना उसका मेजर करना है फॉर दैट वी आर ट्राइंग वी विल वी विल अंडरस्टैंड दैट हाउ दैट इज डन तो जो रेडिएशन आ रहा है उसकी इंटेंसिटी और उसकी वेवलिंग पर्टिकुलरली <laughs> और उसकी डायरेक्शन ये हम लोग मेजर करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंसर एंड देन वॉट एवर दैट मेजरमेंट वी हैव सेंस That is recorded. Now here we are. We will get actually the uh, data collected by the remote sensing. Now the next step is we are trying to analyze that uh, measurements. Whatever the data of the electromagnetic radiation we have collected, that we have measured and that we have recorded or saved it in the form of memory, so that we are <coughs> analyzing. So with this, all this we are trying for that the energy radiated. <coughs> इन द सिलेक्टेड वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिक जो एनर्जी है इसके अलग अलग स्पेक्ट्रम होते हैं तो कौन से इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है या कितनी कौन से वेवलैंग इलेक्ट्रो मैग्नेटिक एनर्जी है सो ऑल दैट वी आर इंटरेस्टेड इन सो वी आर ट्राइंग टू डिटेक्ट द वेव और द एनर्जी इन द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम

इलेक्ट्रो मैग्नेटिक एनर्जी इज फॉलिंग ऑन दैट और दैट सन सोलर रेडिएशन इज ऑन दैट और वी कैन थ्रो एनी मैन आर्टिफिशियल एनर्जी ऑन टू दैट तो हर एक ऑब्जेक्ट अपने अपने हिसाब से इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन कर रहा है इन द डिफरेंट फॉर्मैट सो ऑल दैट पर्टिकुलरली वी आर ट्राइंग टू सेंस और डिटेक्ट द वेरियस रेज सो हम लोग क्या कर रहे हैं जो भी हमारे यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स है वहां से हर ऑब्जेक्ट से हर ऑब्जेक्ट से कुछ ना कुछ रेडिएशन हो रहा है इन द डिफरेंट फॉर्मेट। सो दे दैट दैट वेव्स दे आर इन द डिफरेंट फॉर्मेट दैट इज सम इज रेज। सो गैमा रेज भी कई ऑब्जेक्ट से आते हैं सम आर एक्स रेज सम आर अल्ट्रावायलेट विजिबल रेज सम आर रिफ्लेक्टिव इन्फ्रा आर देयर सम आर थर्मल रेज आर ऑल्सो देयर जो गर्म ऑब्जेक्ट है वहां से थर्मल रेडिएशन होता है ऊर्जा के तौर पे थर्मल रेडिएशन वहां से होता है फॉर एग्जांपल अवर सन और देयर आर सम स्टार्स आर देयर देन इंफ्रारेड रेज आर आल्सो रिफ्लेक्टेड देन माइक्रोवेव एंड देन ब्लू ग्रीन येलो और ऑरेंज नियर इंफ्रा रेड सो बीजी वायो इंफ्रेड और मिडल इंफ्रारेड ये सारे अलग अलग वेव्स के प्रकार है ये सारी वेव्स अलग अलग ऑब्जेक्ट से रेडिएट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और उसको हम लोग डिटेक्ट या सेंस करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं सो विद द हेल्प ऑफ सेंसर आइदर यूजिंग द पैसिव रिमोट सेंसिंग और बाय यूजिंग द एक्टिव रिमोट सेंसिंग सम फॉर्म ऑफ एनर्जी इज पास ऑन टू द ऑब्जेक्ट एंड देन The, that energy is getting reflected and that reflected or emitted energy or that is the radiation coming from that object that is sensed by the sensor. So, to understand all this, so this information how it is sensed, information So, there are some fundamental variables about the various objects present on the earth surface or in our universe. ट फंडामेंटल वेरिएबल्स का जो डाटा है वो हम लोग कलेक्ट करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं देन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द प्लानिमेट्रिक लोकेशन एंड द डायमेंशन यानि जो हमारे कोआर्डिनेट्स है ऑब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट हमारा स्पेस में कहाँ पर है सो वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट सो दैट इज ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू सेंस एंड देन अनदर इज टोपोग्राफिक जेड लोकेशन दैट इज हमारी उसकी हाइट एनी अल्टीट्यूड दैट वी आर ऑल्सो ट्राइंग सो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ और इन द स्पेस अराउंड द अर्थ एंड द टोप्राफिक लोकेशन दैट इज द अल्टीट्यूड और द हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन द स्पेस आर अब द अर्थ सर्फेसर बिलो द अर्थ सर्फेस आर इन द स्पेस एंड अलॉन्ग विद दैट वी आर आल्सो ट्राइंग टू सेंस द कलर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट सो so, यहां पे स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस जो है वहां से किस प्रकार की वेवलेंथ आ रही है उससे हम लोग उस ऑब्जेक्ट का जो कलर है उसको भी हम लोग सेंस कर पाते सो इन द फॉर्म ऑफ कलर इन द फॉर्म ऑफ लोकेशन एंड अल्टीट्यूड एंड इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल वेरियर्स दैट इज द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट आर देयर सो वट इज दट ऑब्जेक्ट वॉट इज द मटेरियल कंटेंट इन टू दैट व्हाट इज द हीट कंटेंट ऑफ दैट व्हाट इज द टेमपेचर ऑफ दैट सो ऑल दैट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट सो दट डाटा वी आर ट्राइंग टू सेंस बाय देंसर नाउस डाटा इज सेंड देन बाय अंडरस्टैंडिंग दैट डाटा वी कैन अंडरस्टैंड सम ऑफ द थिंग्स अबाउट दैट ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विद दिस वी आर ट्राइंग टू सेंस द टेम्परेचर ऑफ द सर्फेस जिस सब्जेक्ट जिसके बारे में हम लोग जानकारी मिलाना चाह रहे हैं तो रिमोट सेंसिंग से हम लोग उसका टेम्परेचर भी पता करना चाहते हैं सो वी आर ट्राइंग टू यूज द थर्मल सेंसर्स फॉर दैट सो वी आर इंटरेस्टेड इन थर्मल टेम्परेचर ऑफ़ द ऑब्जेक्ट और द सर्फेस देन टेक्स्चर ऑफ दैट सर्फेस कैसा टेक्स्चर है रफ है स्मूथ है ग्लेजी है, है ग्लॉसी है या फिर स्कैटर्ड uh, 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 है सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल विद द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट इन द ऑन द अर्थ सर्फेस सो उसका टेक्स्चर कैसा है इसको भी हम लोग सेंसर द्वारा जानने की कोशिश करते देन वी आर ऑल्सो ट्राइंग अंडरस्टैंड द सरफेस रफनेस टेक्स्र एक और एक चीज होगी कि जो टेक्स्चर हमें पैटर्न के तौर पे दिखाई देता है उस ऑब्जेक्ट के अलावा और हम लोग उसका रफनेस भी पता कर सकते हैं so, सो कितने अंडुलेशन से उसके सरफेस के ऊपर उसका सरफेस कैसा है कैसे पार्टिकल से वो बना हुआ है उससे हम लोग उसका टेक्स्चर और सरफेस का रफनेस ये दोनों भी जानने की कोशिश करते हैं जो हमारा डाटा हम लोग सेंस करते हैं सो देर आर डिफरेंट पैरामीटर ऑन इट देन अगेन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मॉइस्चर कंटेंट उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो जो भी सरफेस है या जो भी ऑब्जेक्ट है वहां पर कुछ मॉइस्चर कंटेंट उसके अंदर है क्या <coughs> जैसा कि ग्रीन वेजिटेशन है या फिर एनिमल है या फिर प्लांट्स है तो उसके अंदर आपको मॉइस्चर कंटेंट रहेगा सो वी आर ट्राइंग टू यूज सम सेंसर्स दैट कैन सेंस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट सिमिलरली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वेजिटेशन बायोमास यानी जहां पे खून वाले एनिमल्स जो है ब्लड वाले एनिमल्स या फिर अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां इनको भी हम लोग सेंस करना जानते हैं या चाहते हैं सो विध दिस यानी हमारे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट उसके अलावा उसका लोकेशन उसका एक्स वाई लोकेशन उसका जेड लोकेशन और उस ऑब्जेक्ट का कलर क्या है वो उसके अलावा फिर उसका टेम्परेचर उसका टेक्चर कैसा है सरफेस का रफनेस कैसा है उसका ऑब्जेक्ट का मॉइस्चर कंटेंट कितना है और वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट वेजिटेशन बायोमास है या नहीं है ये सारी चीज़ें हम लोग किसी भी रिमोट सेंसिंग में जानना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट के बारे में जब ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स यदि हमने सेंस कर ली तो फिर उसका इस्तेमाल करके वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है ये हम लोग हमारे कंप्यूटर सिस्टम से हमें पता होता है बिकॉज इन द कंप्यूटर सिस्टम वी हैव ऑलरेडी फेड अप दैट कि यदि ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इतना होगा मॉइस्चर कंटेंट इतना होगा सरफेस रफनेस इतना है टेक्स्चर ऐसा है उसका कलर ऐसा है और उसका हीट कंटेंट इतना है और वो ऑब्जेक्ट से आने वाली जो वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी वो कैसी है इस ये डाटा का कंपेरिजन करके हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं सो कंप्यूटर सिस्टम में पहले से अलग अलग प्रकार के इन प्रॉपर्टीज़ का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके कॉम्बिनेशन बना के वो ऑब्जेक्ट ग्रास है कि वाटर बॉडी है कि रोड सरफेस है कि स्टोन है कि प्लेन ग्राउंड है या क्या है ऐसे अलग अलग फिजिकल ऑब्जेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स हमको पहले से पता है उसको हमने एक कंप्यूटर प्रोग्राम में फिट कर दिया और जब सेंसर से डाटा आता है वो सेंसर का डाटा उस कैरेक्टरिस्टिक का मैचअप किया जाता है तो हमें पता चल जाता है कि ये डाटा है इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है ये हो सकता है सो इन दिस वे वी आर ट्राइंग टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट वॉट इट इज देयर यूजिंग द रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी सो टू अंडरस्टैंड into details डिटेल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वॉट इज एक्चुअली द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन क्या है और कौन सा डाटा हम लोग कैसा कलेक्ट करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है वो हम लोग देखने वाले हैं इसको देखने से पहले हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि जो हमारी आइडियालाइज रिमोट सेंसिंग सिस्टम है इसके स्टेजेस क्या है सो देर आर सिक्स डिस्टिंग स्टेजेस ऑफ द आइडलाइज रिमोट सेंसिंग सिस्टम यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसके पहले भी हमने देखा है जो डायग्राम हमने रिमोट सेंसिंग का बेसिक कंसेप्ट हमने समझा था तो सबसे पहला एलिमेंट हमारा है दैट इज द एनर्जी सोर्स देन सेकंड स्टेज इज द प्रोपेगेशन ऑफ द एनर्जी थ्रू द एटमोस्फियर सो द एनर्जी फ्रॉम दैट सोर्स इज गेटिंग प्रोपेगेटेड टू द एटमोस्फियर सो फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिमोट सेंसिंग इज एनर्जी सोर्स सो वेयर दैट एनर्जी इज थ्रोन देन जी सो so, वो एनर्जी फिर एटमोस्फेर में से ट्रेवल करते जाती है <coughs> किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से या फिर किसी एक डायरेक्शन से स्पेसिफाइड डायरेक्शन से देन दर्ड स्टेज इज द एनर्जी इंटरक्शन विदर्थ सरफेस फीचर जब एनर्जी सोर्स से निकली हुई एनर्जी जब एटमोस्फियर से प्रोपेगेट होते हुए या वैक्यूम से प्रोपेगेट होते हुए किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो उसके ऑब्जेक्ट के साथ में उसकी इंटरेक्शन कैसी होती है यह एक इंपॉर्टेंट स्टेज है रिमोट सेंसिंग के अंदर फॉर एग्जाम्पल सपोज द एनर्जी इज फॉल ऑन दैट तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें से कुछ रेडिएशन जो है उस ऑब्जेक्ट के अंदर एब्सॉर्व हो जाएगा कुछ रेडिएशन वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा कुछ रेडिएशन जो है वो स्कैटर हो जाएगा सो so, इस प्रकार के अलग अलग इंटरेक्शन हो सकती है इट डिपेंड्स अपॉन द व्हाट द ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट क्या है उस पे से इसी प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो विजिबल रेज uh, है उसके अंदर के अलग अलग कलर जो है वो कुछ कलर वो ऑब्जेक्ट के अंदर एब्सॉर्व हो जाएंगे और कुछ कलर वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे सो so, उसी कलर को हम लोग वो ऑब्जेक्ट हमको उसी कलर का दिखाई देगा सो इन दैट वे द थर्ड स्टेज इज दैट वॉट एवर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज फॉलिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट उसकी इंटरेक्शन उस सरफेस के साथ में कैसी है वो ऑब्जेक्ट के जो फीचर्स है सरफेस फीचर्स क्या है उस पर ये सारा डिपेंडेंट होता है एंड दैट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेज बिकॉज ऑफ दिस स्टेज ओनली वी कैन डिस्टिंग द वेरियस ऑब्जेक्ट क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग अलग इंटरेक्शन करते हैं इस प्रकार के एनर्जी के साथ में इसीलिए हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन दैट हाउ दैट इंटरेक्शन वॉज डन and that interaction is sensed by the sensor, so this is the third step in the इलेक्ट्रोमै uh, remote sensing. Then fourth stage is the एयर बॉर्न आर द sensors receiving the reflected and emitted energy. इमिटेड एनर्जी जो ऑब्जेक्ट के ऊपर एनर्जी फॉल होने के बाद में जो उसका इंटरेक्शन हो रहा है वहाँ पे कुछ पैमाने पे रिफ्लेक्शन हो रहा है या फिर इमिशन हो रहा है एनर्जी का तो ये रिफ्लेक्टेड और इमिटेड एनर्जी जो है ऑब्जेक्ट से उसको हम लोग सेंस करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये चौथी इंपॉर्टेंट स्टेप है यदि आपके पास में ऐसा सेंसर नहीं है कि जो रिफ्लेक्टेड या इमिटेड एनर्जी को सेंस कर सके तो आप रिमोट सेंसिंग नहीं कर सकते सो देअर फॉर द फोर्थ स्टेप स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग इज द एयर बॉ और स्पेस बॉर सेंसर सेंसर्स का मौजूद होना जरूरी है यहाँ पे एंड देन द फिफ्थ स्टेप दैट इज द ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा टू द अर्थ स्टेशन एंड जनरेशन ऑफ द डाटा प्रोड्यूस तो अब यह जो सेंसर है यह सैटेलाइट के ऊपर डाटा कैप्चर करने के बाद में उस डाटा को नेक्स्ट स्टेज है कि उसको ग्राउंड स्टेशन तक भेजना पड़ेगा सो फिफ स्टेज इज द ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा सो वहां पर सैटेलाइट के ऊपर जो या जो भी आपका प्लेटफॉर्म है वहां पर आपको एनर्जी का एक सोर्स लगेगा और जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट वहां से जो डाटा सेंसर ने सेंस किया है उसको ट्रांसमिट करेगा ग्राउंड स्टेशन तक सो रिमोट सेंसिंग के जो ग्राउंड स्टेशन है वहां पे वो डाटा हमारा पहुंच जाएगा सो दिस इज द फिफ्थ इंपॉर्टेंट स्टेज दैट अनलेस यू नॉट रिसीव द डाटा यूर रिमोट सेंसिंग इज नॉट ऑफ एनी यूज तो ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा टू द अर्थ स्टेशन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेज एंड देन सिक्स इज द मल्टीपल डाटा यूजर्स नाउ वंस दिस डाटा इज प्रोसेस्ड that data we can use for the different purposes so there are various application of the remote sensing data so that was facilitated to the multiple data users and they are using that data for the different types of planning or decision making purposes so in this way so these are the important six stages of the idealized remote sensing system so you can we will understand into uh, uh, detail that in the diagrammatic location, uh, in the fashion we can understand that. So, this is the sun that is the source of electromagnetic energy. So, uh, uniform energy source is created, or also uh, in the active remote sensing system, uh, we can use the radar type system which uh, propagates the uh, electromagnetic radiation. So, electromagnetic radiation means it contains the energy having the specific wavelength, it contains the energy uh, with specific. Length. So this energy is propagating through the atmosphere. So this is the second stage, that is the propagation of the energy through the atmosphere. So this is the second stage of the remote sensing. Now, once this energy reaches to the earth surface, there are different types of objects are there. So depending upon the physical characteristics of that object, there is a different interaction of the energy with the earth surface features. सो so, पथरीली जमीन है सॉफ्ट सॉइल है या फिर दलदल वाली ज़मीन है वाटर बॉडी है या ग्रास लैंड है या फिर फॉरेस्ट एरिया है या जो भी सरफेस है अलग अलग सरफेस के ऊपर अलग अलग इंटरेक्शन इस एनर्जी की होने वाली है सो दैट इज द थिंग दैट वी आर नोइंग दैट देर इज़ ए डिफरेंट इंटरेक्शन ऑफ द एनर्जी सोर्स विद द डिफरेंट अर्थ सर्फेसिस डिपेंडिंग अपॉन देयर फीचर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर फीचर्स नाउ विथ दिस इंटरेक्शन देर इज ए रिफ्लेक्शन और इमिशन ऑफ द एनर्जी जो एनर्जी यहाँ पर आ गई वो एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी या फिर इमिट होगी यहाँ पर ये यह जो रिफ्लेक्टेड और इमिटेड एनर्जी है ये फिर से ट्रेवल कर रही है इन द एटमोस्फियर सो वी आर ट्राइंग टू कैप्चर दिस सो दिस रिफ्लेक्टेड एंड इमिटेड एनर्जी इज नाउ सेंस बाय द सेंसर दिस इज द फोर्थ स्टेज ऑफ द आइडियलाइज रिमोट सेंसिंग सिस्टम सो दिस सेंसर्स यू कैन माउंट इट ऑन द सैटेलाइट और यू कैन माउंट इट ऑन द बलून और यू कैन माउंट इट ऑन द एयरक्राफ्ट एंड द सेंसर इज सेंस द रिफ्लेक्टेड और द इमिटेड एनर्जी तो ये रिफ्लेक्टेड एनर्जी इमिटेड एनर्जी की अमाउंट कितनी है <coughs> उसका टाइम लैब्स कितना है उसमें कितनी वेवलिंग की कैसी कैसी रेज है ये हम लोग सारा जानने की कोशिश करेंगे और जो ऑब्जेक्ट है उसका कलर क्या है <coughs> <coughs> वो भी जानने की कोशिश करेंगे एंड फॉर ऑल दिस वी आर यूजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स दे आर माउंटेड ऑन द सैटेलाइट अब यहाँ पे डाटा ये कलेक्ट हो गया तो यहाँ पे आपको जो रेडिएशन है और डिफरेंट वेवलेंथ है इसका डाटा आपको मिलेगा सो डिफरेंट वेवलेंथ कौन सी कौन सी वेवलेंथ की आपने ये रेडिएशन कैप्चर किया है और उसका रेडियंस कितना था उसकी एनर्जी लेवल कितनी थी उसका टाइम लैप्स कितना था उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी सो ऑल दैट डाटा वी आर कलेक्टिंग हियर इन द फोर्थ स्टेज एंड देन दैट डाटा डिजिटल डाटा दैट इज ट्रांसमिटेड टू द ग्राउंड स्टेशन सो दैट इज द फिफ्थ स्टेज ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा टू द अर्थ स्टेशन एंड जनरेशन ऑफ द डाटा प्रोडक्ट अब ये डाटा को सिस्टमेटिक तरीके से अंडरस्टैंड करके उसके अंदर जो भी आपको करेक्शंस uh, uh, लगाने हैं वो करेक्शंस लगा के उसको सिस्टमैटिक तौर पे कंप्यूटर सिस्टम में सेव किया जाता है एंड देन दिस डाटा इज यूज बाय द मल्टीपल यूजर्स डाटा यूजर्स सो देयर फॉर द यूजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑल्सो इन दिस स्टेज क्योंकि ये डाटा कुछ काम का नहीं हमारा यदि वहाँ पर कोई यूजर नहीं है उसको यूज करने वाला सो डिफरेंट यूजर्स दे आर यूजिंग दिस डाटा टू अंडरस्टैंड वॉट एग्जिस्ट एट द पर्टिकुलर लोकेशन सो इस प्रकार से इस ये ये डायग्राम के द्वारा हम लोग जो रिमोट सेंसिंग आइडलाइज रिमोट सेंसिंग सिस्टम है उसके जो छः स्टेजेस है वो हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं नाउ वंस दिस डाटा इज यूज बाय दैट सो देर आर डिफरेंट अप्लीकेशन ऑफ दिस डाटा तो फिर रिमोट सेंसिंग के अप्लीकेशन हम लोग जान सकते हैं एंड वी आर ट्राइंग टू यूज दैट डाटा फॉर वेरियस अप्लिकेशन सो दैट वी विल सी लेटर ऑन सो इन दिस वे वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट now in this idealized remote sensing system we have seen that see, there are two types are there one is passive remote sensing and other is active remote sensing in earlier lecture also we have seen javamara natural sun electromagnetic ka source one hai electromagnetic energy ka, so that energy is falling on the earth surface and then depending upon the features of that <coughs> surface uh, there is a reflection and that is going to the sensor on the satellite the sensor is capturing the data

रडार टाइप के किसी ऑब्जेक्ट से हम लोग ऑब्जेक्ट uh, <coughs> के ऊपर कोई रेडिएशन को छोड़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक uh, एनर्जी को छोड़ सकते दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी थ्रो ऑन द सर्फेस वॉज गेटिंग रिफ्लेक्टेड और ये जो रिफ्लेक्टेंस है या इमिटेंस जो है उसको फिर से सेंसर द्वारा सेंस किया जाएगा सो हियर द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एंड द सेंसर बोथ आर माउंटेड ऑन द सैटेलाइट एंड देन द डाटा इज कलेक्टेड एंड दैट इज ट्रांसमिटेड टू द ground station. So, in this way <coughs> this is called as active remote sensing. So, in earlier lecture we have seen that <coughs> what is the difference between the passive remote sensing and active remote sensing. Now, here one by one we will go to understand what are the, the different six stages are there. So, first stage is the energy source. So, already as we have seen that in the passive remote sensing the sun is the source of electromagnetic energy and in the active remote sensing वी आर यूजिंग जनरली द रडार सिस्टम द यूनिफॉर्म एनर्जी द यूनिफॉर्म एनर्जी सोर्स प्रोवाइड्स द एनर्जी ओवर ऑल वेवलिंग सो इन द सन रेडिएशन जो सूरज से सोलर रेडिएशन जो आ रहा है उसके अंदर सभी प्रकार के वेवलैक की <coughs> जो uh, रेज है वो अवेलेबल है सो द पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम रिलाइज ऑन द सन एज ए स्ट्रोंगेस्ट सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी

एटमॉस्फियर मॉडिफाईज देव लेंथ ये सबसे इंपॉर्टेंट है वो ट्रेवल कर रहा है रिफ्लेक्शन या फिर रेडिएशन uh, वो एटमोस्फियर उसको कभी कभी उसकी वेवलैंथ मॉडिफाई कर सकता है एंड द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी टू द सम एक्सटेंड ये भी हो सकता है कुछ एनर्जी उसकी लॉस हो सकती है या स्कैटर हो सकती है या ऐसा कुछ इंट्रैक्शन वहां पर एटमोस्फियर से आने में

ट्रैवल कर रही है तो उसकी जो वेव लेंथ है वो शॉर्टर वेव लेंथ होगी लॉन्गर वेव लेंथ वाली जो रेज you know, है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे सो इन दैट वे वी कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस सो दिस इज द सेकंड स्टेज दैट इज द प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द एटमोस्फियर नाउ वंस दिस एनर्जी रिचेज टू द ऑब्जेक्ट द थर्ड स्टेज इज इंटरेक्शन ऑफ द एनर्जी विद द सरफेस फीचर्स ऑफ द अर्थ अब हमारे अर्थ के ऊपर अलग अलग सरफेस फीचर्स है अलग अलग मटेरियल है और अलग अलग, अलग बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट्स है <coughs> जीवित और अजैविक ऑब्जेक्ट्स भी वहाँ पर है तो ये जो रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या सोलर रेडिएशन जो ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रहा है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ में अलग अलग प्रतिक्रियाएँ दिखाता है और ये जो है द इंटरैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक एनर्जी विद द अर्थ सरफेस फीचर जनरेट्स द रिफ्लेक्टेड एंड इमिटेड सिग्नल्स तो कुछ जगह पे रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है इमिटेंस कम होता है या फिर इमिटेड इमिटेशन के सिग्नल कम है रिफ्लेक्शन ज़्यादा है या इस प्रकार से अलग अलग वेरिएशन आपको मिलते हैं या फिर <coughs> वेवलेंथ में कभी कभी बदलाव आ सकता है सो दिस इज कॉल्ड एज द स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स पैटर्न अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की इंटरेक्शन कैसी है इसको कहा जाता है स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स पैटर्न यानी किसी एक प्रकार के पर्टिकुलर वेवलेंथ के एनर्जी यदि ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है तो उसका उस ऑब्जेक्ट के साथ में कैसे रिएक्शन होता है सो नाउ डेज़ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी द स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स पैटर्न ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट्स इज नोन टू अस हमें पता है कि किस ऑब्जेक्ट पे यदि सोलर एडिशन गिरा तो वो कैसे इंट्रैक्शन करेगा दिस वी आर थ्रू आउट आवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फ्रॉम द लॉन्ग ईयर्स अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स तो इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग उसकी पता कर सकते हैं या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं सिग्नेचर दैट इज द स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स पैटर्न यानी हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक सिग्नेचर होती है सो so, जब हमारा ये रिफ्लेक्टेड या इमिटेड सिग्नल वापस मिलता है तो सेंसर ने उसको डाटा कैप्चर करने के बाद में हमारे पास में जो ऑलरेडी स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स पैटर्न या अलग अलग सिग्नेचर्स है उसके साथ में उस डाटा को कंपेयर किया जाता है जैसे ही कंपेयर करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये और ये सेम है तो ये सिग्नेचर किसका है सो ओके दिस इज ऑफ द वाटर बॉडी तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो सिग्नल आ रहा है ये वाटर बॉडी से रिफ्लेक्टेड होकर आ रहा है यानी जहां पर हमने रेडिएशन छोड़ा था वहां पर वाटर बॉडी हो सकती है इन दैट वे वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वॉट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ सर्फेस सो हियर दिस स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स पैटर्न प्लेज ए सेंट्रल रोल इन द डिटेक्शन आइडेंटिफिकेशन एंड द एनालिसिस ऑफ द अर्थ सर्फेस यही इंपॉर्टेंट है हमारा कि हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट का स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स पैटर्न क्या है ये पहले से पता है उसको हमने कंप्यूटर में फिट करके रख दिया है जब सेंसर से कोई डाटा कलेक्ट हो जाएगा उसको हम लोग उस स्पेक्ट्रल पैटर्न के साथ में मैच करके देखेंगे जहाँ पे मैच होगा उस प्रकार की प्रॉपर्टीज उस ऑब्जेक्ट की या अर्थ सरफेस की वहाँ पर हो सकती है और इसी तरह से हम लोग <coughs> उस ऑब्जेक्ट को पहचान पाते हैं सो एक्चुअली दिस इज़ द एक्चुअली द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट With the help of interaction of that energy with the earth surface, we can identify that object or we can try to understand what are the <coughs> properties of that object. So, that is the third step uh, in the remote sensing. In the fourth stage, uh, airborne, spaceborne sensors are also there. So, that already we have seen that <coughs> sensors are the electromagnetic instruments. सेंसर्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन टू रिसीव द रिकॉर्ड ट्रांसमिटेड डिजाइन टू रिसीव एंड रिकॉर्ड द ट्रांसमिटेड एनर्जी जो अलग अलग ऑब्जेक्ट से एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है या रिफ्लेक्टेंस आ रहा है या रेडिएशन आ रहा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए या उसको रिसिव या रिकॉर्ड करने का दोनों काम जो है ये हमारा इलेक्ट्रो इंस्ट्रूमेंट कर रहा है एंड दैट इज कॉल्ड एज सेंसर सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर ऑलरेडी वी हैव सीन दैट

इट इल्ड yields the द डाटा फॉर absolute ब्राइटनेस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एज ए फंक्शन ऑफ द wavelength तो वे उस वेवलैंग से ही हमको पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट जो है वो कौन से कलर का है या फिर अलग अलग वेवलैंग के जो पैटर्न हमें वेल नोन पता है अलग अलग ऑब्जेक्ट के बारे में उसके साथ में कंपेयर करके वो सेंसर्स के आया हुआ डाटा कंपेयर होने से हमें पता चल जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या है सो पर्टिकुलरली दिस स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स डैट इज मोर ओवर Uh, that is the wavelength of that uh, reflectance or the emittance so this is the another important st stage in the remote sensing that there should be a presence of the electromagnetic instrument called as sensor then only you can collect the uh, transmitted energy you can collect the transmitted energy from the object then in the <coughs> fifth stage this data was received and recorded by the सेंसर सेंसर ने ये डाटा को रिसीव कर लिया और उसको रिकॉर्ड कर लिया नाउ द अनदर इज इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द सेंसर इज वो डाटा उसको ट्रांसमिट करना चाहिए ग्राउंड स्टेशन के ऊपर सो बिकॉज दे आर माउंटेड ऑन द सेटेलाइट पर्टिकुलरली मोस्ट ऑफ द केसेस द सेंसर्स आर माउंटेड ऑन द सेटेलाइट सो दे आर इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ सो दैट डाटा दे आर ट्रांसमिटिंग टू द ग्राउंड स्टेशन सो हियर द डाटा फ्रॉम द सेंसिंग सिस्टम इज ट्रांसमिटेड टू द ग्राउंड बेस अर्थ स्टेशन अलॉन्ग विद द टेलीमेट्री डाटा तो जो डाटा है ये रियल टाइम डाटा हैंडलिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हाई डेंसिटी डाटा टेप्स तो ये कंटिन्यूस वहाँ पे सेंसर के पास वहां पे डाटा रिकॉर्ड हो रहा है और उसी क्षण में वो फिर वहीं से कंटिन्यूसली रियल टाइम में ट्रांसमिट हो रहा है और नीचे भी कंटिन्यूसली वो फिर से रिकॉर्ड हो रहा है दिस टाइप ऑफ रियल रियल टाइम डाटा हैंडलिंग सिस्टम्स आर एम्प्लॉयड एट द डाटा रिसीविंग स्टेशन सो दिस आर द हाई डेंस डाटा टेप्स फॉर रिकॉर्डिंग एंड विजुअल डिवाइसेस सच एज द टेलीविज़न और द क्विक लुक डिस्प्ले तो ये जो डाटा आ रहा है उसको फिर यदि आपने डिस्प्ले लगा दिया तो उस डिस्प्ले के ऊपर वो डाटा का जो भी व्यू है या इमेज है वहाँ पे या उसका पैटर्न है वो हम लोग वहाँ पर देख भी सकते हैं सो रियल टाइम सेंसिंग ऑल्सो यू कैन डन डू सो आप लोग यदि सेटेलाइट को किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए फोकस करके डा, डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ से हमें उसका इमेज भी मिलेगा और उसका कॉन्टिब्यूशन भी अलग अलग पैरामीटर्स का कॉन्ट्रिब्यूशन भी हम लोग साथ में कर सकते हैं एंड दैट यू कैन व्यू इन द फॉर्म ऑफ विजुअल डिस्प्ले द डाटा प्रोडक्ट आर मेनली क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरीज वन इज द पिक्चोरियल और द फोटोग्राफ्स यानी एक तो रिमोट सेंसिंग के द्वारा जो सेंस से हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ से अलग अलग प्रकार के जो वेवलेंथ है उसको कलेक्ट करने के बाद में एक कलर पैटर्न क्या है या उसका पिक्चर क्या है इमेज क्या है तो वो डाटा हमें पहले तो मिल जाता है सो द कैमरा इज ऑल्सो माउंटेड ऑन द सेटेलाइट एज ए वन ऑफ द सेंसर सो हाई रिजोल्यूशन कैमरा वहाँ पर होता है जो लॉन्गर डिस्टेंस से भी फोटोग्राफ ले सकता है और उसका पिक्चोरियल डाटा हमें वहाँ पर सेंसर से मिलता है सो फर्स्ट इज द पिक्चोरियल आर द फोटोग्राफ दैट इज एनोलॉग इमेज वी आर रिसीविंग अलॉन्ग विद डैट द डिजिटल प्रोडक्ट अब डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर फिर वो रिफ्लेक्टेंस की एनर्जी कितनी है वो रेडिएशन की इंटेंसिटी कितनी है वहाँ पे वेवलेंथ कितना है उसके अंदर वेरिएशन कितना है यदि थर्मल सेंसर डिप्लॉय किया हुआ तो वहाँ पर उसका हीट कंटेंट कितना है या ऐसे अलग अलग पैरामीटर्स ये सारा उसका डिजिटल फॉर्मेट में जो डाटा है वह भी हमें सेंसर से मिलता है सो दिस टू थिंग्स दैट इज द इमेज डाटा एंड द डिजिटल पैरामीटर डाटा दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम दैट सैटेलाइट टू द ग्राउंड स्टेशन नाउ वंस दिस डाटा इज रिसीव टू द ग्राउंड स्टेशन देन इट इज़ सेव्ड इन द कंप्यूटर पेरीफेरियल्स हार्डवेयर के अंदर मेमोरी के अंदर उस डाटा को सिस्टमेटिक ढंग से सेव किया जाता है सो हियर द मल्टीपल डाटा यूजर्स आर दो यूजर्स हु नो द नॉलेज ऑफ द ग्रेट डेप बोथ ऑफ द रिस्पेक्ट टू डिसिप्लिन एज वेल एज द रिमोट सेंसिंग डाटा तो अलग अलग प्रकार के यूजर्स पर्टिकुलरली जैसे कि सिविल इंजीनियर है तो हम लोग अलग अलग प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट डिजाइन के लिए एक्चुअली जो साइट है हमारी उस साइट को हम लोग रिमोट सेंसिंग द्वारा फोटोग्राफ लेके और वहाँ पे जो अलग अलग फीचर्स है ग्राउंड के वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया कैसा है वहाँ पे वाटर बॉडीज कहाँ कहाँ पर है उसका एवरेज टेम्परेचर कितना है वहाँ पे रेनफॉल कितना है वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट कितना है आजू बाजू में कितनी लोकेलिटी वहाँ पे है वहाँ पर ऐसी सारी जो फैसिलिटीज़ है या टोपोग्राफी जो है वहाँ अर्थ सर्फेस की जो फीचर्स है उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग द्वारा सो दैट दैट डाटा इज़ नाउ यूज बाय द यूजर्स सेम सेट ऑफ द डाटा बिकम्स द वेरियस फॉर्म ऑफ द इन्फॉर्मेशन फॉर द डिफरेंट यूजर्स तो सिविल इंजीनियर वो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए उसका डाटा का इस्तेमाल करेंगे और कोई दूसरा वर्क है तो उसके लिए उस डाटा का और कुछ उपयोग जैसा कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी हम लोग रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं तो पर्टिकुलर लोकेशन पर वेदर के पैरामीटर्स यदि हमने डिटेक्ट कर लिए तो वहाँ का वेदर कैसा है इसका भी हम लोग पता कर सकते सो डिपेंडिंग अपॉन द अर्लियर डाटा वी कैन मेक द कंपेरिजन ऑफ द वेदर कंडीशन एंड दैट वी ऑल्सो वी कैन डू द वेदर फोरकास्टिंग तो इसके लिए भी हमें एक्चुअल वहाँ पर वहाँ का किसी लोकेशन का डाटा लगेगा सो दैट वी कैन डू सो विद द यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर फील्ड एंड इंटरप्रिटेशन स्किल्स आर देयर सो अलग अलग लोग अपना उस डाटा को अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं एंड दैट इज़ अगेन द इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ द रिमोट सेंसिंग सो इन दिस वे दीज आर दिक्स इम्पॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ द रिमोट सेंसिंग अब ये जो सारा हो रहा है यहां पर हमने इसके पहले भी देखा कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स वी आर अप्लाई सो हियर ऑलरेडी वी हैव सीन दैट विजिबल एंड रिफ्लेक्टिव इंफ्रा रेड रिमोट सेंसिंग वी कैन डू तो यहां पे सबसे पहले तो जो विजिबल लाइट रेज है सूरज से आने वाले उसके हिसाब से हम लोग ऑब्जेक्ट का अलग अलग कलर क्या है उसको हम लोग पता कर सकते हैं इसी अलावा जो रिफ्लेक्टिव टू इंफ्रारेड है उसके हिसाब से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है सो दिस टाइप ऑफ विजिबल एंड रिफ्लेक्टिव रिमोट सेंसिंग इज देयर कुछ सेंसर uh, ऐसे हैं कि जो थर्मल रिमोट सेंसिंग कर रहे हैं पर्टिकुलरलीशन एंड द देश ऑफ द ऑब्जेक्ट तो इसको पता करने के लिए वी आर यूजिंग द थर्मल रिमोट सेंसिंग एंड ऑल्सो वी आर यूजिंग द माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग विच वेरी वाइड रेंज ऑफ द डाटा वी कैन कलेक्ट सो माइक्रोवेव रेडिएशन जो आ रहा है या बैक स्कैटर जो रेडिएशन uh, वहाँ से आ रहा है वो रेडिएशन कैसे आ रहा है उसको हम लोग माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग द्वारा पता कर सकते हैं सो फॉर अंडरस्टैंडिंग वॉट एग्जिस्ट एट द पर्टिकुलर लोकेशन वी आर डिफ्लॉइंग द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ सेंसर्स ऑन द सेटेलाइट एंड देन दे आर सेंसिंग द रिफ्लेक्टन्स और द इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी

That also we can understand the spectral radiance of that data sensed from the sensor. So, with this data, then we are trying to compare with the already known data, and then we can sense that object. So, in all this, the important thing is that there is a specific interaction of the electromagnetic radiation with the earth surface. So, here द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक एनर्जी दैट स्ट्राइक्स और एनकाउंटर्स द मैटर और द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इंसीडेंट रेडिएशन तो जो आने वाली एनर्जी है या जो गिरने वाली एनर्जी है ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको हमने कहा है इंसिडेंस रेडिएशन सो दिस इंसिडेंट रेडिएशन फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइकिंग द सर्फेस में भी अब ये जो इंसिडेंट रेडिएशन यानी जो एनर्जी आई वो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो सकती है या फिर स्कैटर्ड हो सकती है यदि ऑब्जेक्ट हमारा प्लेन है तो वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगी यदि ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है वो थोड़ा सा रफ है ग्रेबल्ड है अंडुलेशन है वहाँ पे तो वो हो सकता है वहां पे स्कैटर हो जाए तो वो डायरेक्ट स्पेसिफिक डायरेक्शन से वापस ना जाए सो इट मे पॉसिबल दैट इट मे रिफ्लेक्ट और इट मे गेट स्कैट ऑल्सो इट मे गेट एबसॉर्ड डिपेंडिंग अपॉन द थर्मल कंडीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और व्हाट इज द एक्चुअली द ऑब्जेक्ट इज डिपेंडिंग अपॉन दैट जो इंसिडेंट रेडिएशन जो है ये एब्सॉर्ब भी हो सकता है कुछ प्रमाण के ऊपर ऑब्जेक्ट के अंदर सो दैट ऑल्सो यू कैन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब हो गई एंड इसी प्रकार से कुछ एनर्जी है वहां से ट्रांसमिट भी होगी दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअली द रेडिएशन सो वेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज फॉलिंग ऑन द ऑब्जेक्ट दैट इज द इट इज कॉल्ड एज इंसीडेंट रेडिएशन दैट मे गेट एपसॉर्ड दैट मे गेट स्कैटर्ड और दैट मे गेट ट्रांसमिटेड सो डिपेंडिंग अपॉन दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दॉट एक्चुअली द इंटरैक्शन इज तो यदि वाटर बॉडी है तो यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंसिडेंट रेडिएशन जो है वह कितने पैमाने पर रिफ्लेक्ट हो रहा है या ट्रांसमिट हो रहा है या फिर एपसॉर्ड हो रहा है या फिर स्कैटर्ड हो रहा है सो so, ये सारा हमें देखना पड़ेगा सो ऑल दैट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर सो दिस इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू सम ऑफ द एब्सॉर्व रेडिएशन ट्रांसमिटेड रेडिएशन एंड रिफ्लेक्टेड रेडिएशन सो ये चीजें हमें समझना है यहां पे

ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है ये एक मेक पे डिपेंडेंट नहीं है वो डिपेंडेंट है ऑब्जेक्ट के वेरियस अलग अलग पैरामीटर्स पे सो हियर इट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर दैट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ कितनी है इस पर भी वो डिपेंडेंट है उसके बाद में एंगल ऑफ द इंसिडेंस किस डायरेक्शन से वो इंसिडेंट uh, रेडिएशन हो रहा है उस पर भी डिपेंड है कि वो रिफ्लेक्ट होगा कि एप्सार होगा कि कैसे होगा देन सरफेस रफनेस यदि सरफेस रफनेस ज्यादा है तो वो इंसिडेंट रेडिएशन जो है वो रफनेस की वजह से स्कैटर हो जाएगा सो दैट ऑल्सो इज देयर यदि स्मूथ सरफेस है और इंसिडेंट रेडिएशन किसी एंगल से आता है तो वो उसके अपोजिट एंगल से बराबर रिफ्लेक्ट हो जाएगा सो दैट ऑल्सो इज देयर सो दिस इंटरेक्शन डिपेंड अपॉन द सर्फेस रफनेस एंड देन द कंडीशन एंड द कंपोजिशन ऑफ द सर्फेस मटेरियल जो ऑब्जेक्ट है वो किस पदार्थ का बना है उस पर भी वो डिपेंड करता है कि वो एनर्जी एब्सॉर्व करेगा कि कितनी करेगा या नहीं करेगा सो इफ इट इज़ ए वाटर और इट इज़ ए कूल ऑब्जेक्ट सो इट में एब्सॉर्व मोर इंसिडेंट रेडिएशन और यदि वो पहले से ही गर्म ऑब्जेक्ट है मटेरियल जो है उसका उसका हीट कंटेंट ऑलरेडी ज़्यादा है तो हो सकता है कि वो <coughs> ज़्यादा ज़्यादा इमिटेंस करेगा एनर्जी को ज़्यादा इमिट करेगा सो इट डिपेंड्स अपॉन दैट व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मटेरियल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या मटेरियल या उसका जो मटेरियल का जो ऑब्जेक्ट पदार्थ है उसके अंदर वो कौन से है उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि किस प्रकार से वो एनर्जी को एब्सॉर्व करेगा या रिफ्लेक्ट करेगा या रिमिट करेगा या व्हाट द इंटरेक्शन विल बी सो डिपेंडिंग अपॉन दिस पैरामीटर फॉर वेरियस ऑब्जेक्ट्स एज आई हैलरेडी सेट देर इज ए वेरियस टाइप ऑफ इंटरैक्शन अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंसिडेंट रेडिएशन किसी ऑब्जेक्ट पर गिरता है तो हमको यदि पहले से यदि हमको पता है कि वाटर बॉडी पे गिरा तो इतनी इतनी एनर्जी रेडिएट होगी इतनी ट्रांसमिट होगी और इतनी एप्सॉर होगी तो ये एक स्पेक्ट्रल पैटर्न हमारे पास में तैयार होगा वाटर बॉडी के लिए यदि घास वाले जमीन के ऊपर इंसिडेंट रेडिएशन आता है तो वहां पर कितना एप्सॉर होगा कितना रिफ्लेक्ट होगा और कितना ट्रांसमिट होगा ये एक और हमारे पास में एक स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स हमारे पास में बन गया या उसका एक पैटर्न बन गया अब यदि घास की ऊंचाई भी कम ज़्यादा है तो भी वो पैटर्न में बदलाव आ सकता है यदि वो घास सूखा है या गीला है तो भी उस पैट इंट्रैक्शन में बदलाव आ सकता है यदि पत्थर है लेकिन प्लेन वाला पत्थर है या मिट्टी वाली जमीन है या दलदल वाली जमीन है तो वहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन गिरने के बाद में वो एब्सॉर्ब कितना होगा ट्रांसमिट कितना होगा या फिर रेडिएट कितना होगा ये बदल सकता है और इसी को हम लोग सेंस कर रहे हैं इसी को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं सेंसर द्वारा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी एनर्जी लॉस हो गई यानि एब्सॉर हो गई कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हो गई या स्कैटर हो गई और कितनी एनर्जी रेडिएश रेडिएट हो गई सो ये यदि हमने पता कर लिया तो हम लोग उसको अलग अलग वेवलेंथ के जरिए एंगल ऑफ इंसिडेंट के जरिए सरफेस रफनेस के जरिए या फिर उसका ऑब्जेक्ट अब, का मटेरियल का कंपोजिशन क्या है इसके जरिए हम लोग उसको समझ सकते हैं

या ऑब्जेक्ट का सर्फेस किस एंगल से कौन सा एंगल बना रहा है सो डायरेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ऑफ दैट इंसिडेंट रेडिएशन देन वेवलिंग ऑफकोर्स कौन से वेवलिंग की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी वेवलैंथ क्या है इस पे से पता चलेगा अपने को कौन सी वेवलेंथ वाली रेडिएशन होने वाला है सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट देन द पोलराइजेशन पोलराइजेशन में यहाँ पे उसका जो मैग्नेटिक <coughs> फील्ड का एंगल है वो कैसा है वो भी हमको यहाँ पर पता करना पड़ेगा एंड अंदर दिस फेज उसका फेज कैसा है सो ऑल दिस इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी डायरेक्शन वेवलिंग पोलराइजेशन और फेज क्या है ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि उसकी इंटरेक्शन कैसे होगी तो जो सन सोलर रेडिएशन आ रहा है उसका हमको पता है ये सारी चीजें इसी प्रकार से रडार से यदि हम लोग कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी थ्रो कर रहे हैं तो उसका भी हमें ये पता होगा और इस पर हमें पता चलेगा कि जो इंटरेक्शन है वो किस प्रकार से होने वाली है सो द साइंस ऑफ रिमोट सेंसिंग डिटेक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स देयर चेंजेस यानी इंसिडेंट रेडिएशन में आने वाले इंटेंसिटी का चेंज कितना हो गया इंटेंसिटी की डायरेक्शन कितनी है अभी या बदल के कैसी गई उसकी वेवलेंथ में कितना बदलाव आ गया या क्या है वेवलेंथ कितनी है या उसके वेवलेंथ के अंदर कैसी फ्रिक्वेंसी आ रही है या फिर उसका पोलराइजेशन कैसे हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का और उसका फेज कैसा है ये ये फेज डिफरेंस ये सारा यदि हमने कंपेयर कर लिया आने वाले इंसिडेंट रेडिएशन का और वहाँ से जो रिफ्लेक्शन रिमिटेंस या ट्रांसमिटेंस जो रहा है उसका तो उसको समझने समझ समझने से हम उस ऑब्जेक्ट को पता कर सकते कि वो ऑब्जेक्ट क्या है देयर फॉर द साइंस ऑफ रिमोट सेंसिंग डिटेक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स द चेंजेस इन द properties of incident radiation changes in the properties of incident radiation. So with this <coughs> in this lesson we have understood that what are the various objectives of remote sensing and how thus there are six stages of the ideas remote sensing system are there and how we can understand what the object is. So now in this after this we will try in the next lecture Koshish Karenge कि जो हमने ये बात की अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है एंड हाउ दिस एक्चुअली द रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी वर्क्स उसके लिए हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले सो टिल देन वी विल स्टॉप हियर फॉर लेसन नंबर थ्री थैंक यू गुड बाय